और टाइटल देख के आ चुके हो तो आज की वीडियो में हमारे ऊपर एक इंडियन गर्ल यूट्यूबर ने रिएक्शन दिया उसका रिएक्शन देखेंगे देखते हैं भाई उनको हमारी गेम कैसी लगती है बाकी आप लोग उससे पहले ये वाला तबाही किस्म का वाइप एंजॉय करो तो ये ले के साथ हम एक बंदे को एंड फिनिश कर देते हैं अब इसके बाकी का भी स्क्वाड भी पीछे नहीं रहने लगा वो भी दस्ती पुश करने लगे हैं तो आओ उनके साथ भी एक एक हाथ कर ली जाए तो आप लोग की तरह मुझे भी पता नहीं चला है बंदा कब कैसे अंदर वाली साइड पे आ गया बट अगर आप लोग करके वीडियो देखेंगे तो आपको आईडिया हो जाएगा कि बंदा लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ था एंड डिसिंक होके मतलब टेलीपोर्ट वगैरह होके अंदर वाली साइड पे चला गया क्योंकि इसका नेट इश्यू था मुख्य मार रहा मुख्य क्यों मार रहा है ले भाई ये क्या कर रहा है <coughs> किधर खो गए हो यार तो खैर आधी आवाम को समझ आ गया होगा आपके भाई ने आवाज सुनते ही मुके क्यों करवाए तो जिस जिसको समझ आ गया फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई क्या सीन था तो बाकी सामने दो बंदे उनपे फटाफट से, उन से पुश करते हैं तो अब चलते हैं सीधा पोचिंग की फाइट पे आपका भाई स्क्वाड है उसकी छत पे वैसे ही चहल पहल कर रहा था एंड सामने से दो बग्गी पुश आ जाता है तो चलो यार फाइट स्टार्ट करते हैं स्क्वाड के तीन बंदों को गोडो पे लाके फिनिश कर देते हैं चौथा बोलता है कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं? अरे भाई डीबीएस से डर लगता है यार तो खैर इसको भी हम फिनिश कर देते हैं अब चलते हैं जरा रिएक्शन पे तो चेक करते हैं भाई पिया गेमिंग ने जो हम पे रिएक्ट किया वो किस टाइप का तो को तो उतार दिया जारू, जारू, लास्ट में बचा है चल 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 मार 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 ओ देखी ओ तो ओ हो 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 ओ, 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 ओ नाइस लेफ्ट पीक देख मारा ये भी गया पीछे से ही गया भाई एक गाड़ी के कवर पे कितना ही बंदा खेल सकता है भाई बहुत और अभी तो रुको क्लाइमर अभी बाकी ओके भाई ये तो एक वो वो और आ रहा है I am absolutely speechless right now. ये देख रहे हो इन बंदों को। के से पे गिली सूट पहन के बैठा है मतलब ऐसे लगे कि पेड़ के ऊपर एक पत्ता है <laughs> 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 क्या स्पॉटिंग किया यार यहाँ पे ये तो बोलना पड़ेगा मानना पड़ेगा दाद देनी पड़ेगी स्पॉटिंग की तो भाई इतने भारी आईपैड को इस तरीके से मूव करना इज नॉट एट ऑल इजी इज नॉट एट ऑल इजी तो ये था इंडियन यूट्यूबर गर्ल पिया गेमिंग की तरफ से रिएक्शन अगर आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है तो आप लोग इनके चैनल पे जाके देख सकते हो बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैच पे तो आपका भाई लैंड हो चुका है मतलब हॉट ड्रॉप क्लियर करने लगा एंड हाँ मेरे हाथ में एम तो देख दे ही फुल अपग्रेडेड गन है जो न्यू आई है तो आओ जरा इससे बंदे चमकाते हैं भाई क्या लेवल का इसका हिट इफेक्ट है था तो सामने खैर दो बंदे होने लगे लेफ्ट साइड पे एक बंदा था तो लेफ्ट वाले को आपका भाई नेट करा देता है बाकी दोनों का पुश आने लगा है तो जरा फॉल बैक करते हैं अच्छी सी लोकेशन लेके इनको पेलना शुरू करते हैं तो ये खैर दो ही बंदे होते हैं फटाफट फड़ से फिनिश कर देते हैं अब आप लोग ये पेटी चेक करो यार एम से कितनी लेवल की है खैर सामने एक बॉट आता है एंड इस बॉट की वजह से मुझे दो कैंपर्स की लोकेशन पता चल जाती है तो भाई सामने दो बंदे कैंप कर रहे होते हैं एंड वो बॉट का केल लेने के लिए अपनी जो है ना लोकेशन रिवील कर दे। तो आओ जरा इनको गर्म गर्म मॉली में तलते हैं तो खैर इनको पेलते ही दो बंदे और इनकी लोकेशन पे आ जाते हैं वो बोलते हैं भाई हमें भी पेलो तो खैर चलो यार पहलना शुरू करते हैं आ, गुरुणी, गुरुणी। तो फाइनली इवेंट क्लियर करके आपका भाई बाकी के बंदे पहलने आ जाता है और कंट्रोल, कंट्रोल तो एक बार तो इस कैंपर के हाथों मर के आपका भाई वापस से लैंड होता है कि इससे रिवेंज लिया जाए बट वो बंदा बगी पे बैठ के फरार होने लगा आप लोगों के सामने तो वापस जाता हूँ मैं लूट करने एंड सीन चेक करो खैर समझ तो आप लोग गए होगा कि के इन कैंपस के हाथों मर के कितना गुस्सा आता तो खैर अपार्टमेंट्स में पुश करते हैं एंड दो बंदे यहाँ पे होने लगे हैं एंड इन इनके साथ भी काफी मजे की फाइट होने लगी है एंड बातें भी सुनना जरा फिनिश कर फिनिश फिनिश कर कर दे ये बंदा यहाँ पे बोल रहा था फिनिश कर दे बट मेरा यहाँ पे मूड नहीं होता इसको फिनिश करने का ताकि इसके बाकी के बंदे भी पुश करें तो यहाँ पे मैं फ्रीज होने की एक्टिंग करता हूँ ताकि अपने टीममेट्स को बुलाए अबे फिनिश करना ये फिनिश नहीं कर रहा पेश कराएगा खड़ा होके खड़ा ही आ गया कि खड़ा ही अबे भाई, भाई लास्ट लास्ट छोड़ छोड़ दे दो शालियां दोगे तो मैं कहां से छोड़ूंगा एंड जो लोग गालियां देते हैं उनको तड़पाने का तो अपना ही मजा आता तो खैर इनको हम थोड़ा तड़पाते छपाते हैं नेक्स्ट मैच में आते हैं यहां पे अब ये लास्ट बंदे का सीन देखो ये ले भाई तुझे ज्यादा शौक हो रहा था चाका कराने का तो यार इसको कहते हैं चाका तो खैर अब चलते हैं इन गेम जो नई चीजें आई हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं तो आ चुका है द रीपर्स ब्लेसिंग आओ जरा फटाफट से इसकी एनिमेशन देखते हैं तो भाई कतई नेक्स्ट लेवल आउटफिट है आपके भाई ने फुल गेम प्ले इसी आउटफिट में देखा आप लोगों ने देखा होगा एंड बाकी भाई इसके पास ये स्केलेटन वाला सांप शाम भी इसके साथ काफी ज्यादा इमोट्स वगैरह भी करती है और भाई सीन चेक करो अपने सांप से इसने एक्स बना लिया भाई काफी हैवी किस्म की एनिमेशन थी तो आउटफिट की एनिमेशन तो देख चुके हैं अब देखते हैं हमें इस आउटफिट के साथ साथ देखने को क्या क्या मिलेगा तो इसके साथ साथ हमें एक ये इमोट देखने को मिलेगा एंड हर दस सेकंड बाद ये अपने सांप को पैट करती है मतलब यूं करके हाथ हाथ लगाती है एंड आई इस आउटफिट का आपको 360 व्यू भी दे देता हूँ एंड साथ ही साथ इसके अब हेड गियर की बात की जाए तो ये कैंडल्स वाला इसका हेड गियर है इसके दो और आउटफिट्स होने लगे हैं तो वो भी देख लेते हैं ये फर्स्ट आउटफिट एंड इसका है एंड ये सेकंड आउटफिट एंड इसके साथ ये वाले बाल चाल अब बात की जाए अगर इसके ग्लाइडर की तो वो काफी मजे का भाई ये मैंने पर्सनली यूज करके देखे नेक्स्ट लेवल लुक है एंड इसको अगर आप लोग अपग्रेड करो तो भाई इसमें से न्योन लाइट भी निकलेंगी तो इसका नाम है मिड नाइट बॉन्ड्रेक ग्लाइडर जो कि काफी मजे की लुक देता है यार अगर किसी बंदे के पास ये ग्लाइडर हो ना तो सब उसको तो मुड़ मुड़ के देखेंगे बाकी आप लोग इस बाइक का भी सीन चेक कर लो ड्रैगन लुक है ड्रैगन थीम है एंड इसके हेलमेट की बात की जाए तो वो भी काफी यूनिक किस्म का हेलमेट है लेवल वन टू थ्री तो आप लोग देख चुके हो गए अब इसके बैक पैक पे आते हैं तो बैक पैक भी भाई बैक साइड से काफी हैवी लुक देने लगा है मतलब जब आप मूवमेंट वगैरह कर रहे हो गए तो बैकपैक आपकी मूवमेंट को चार चांद लगा देगा अब आते हैं इसके इमोट्स पे तो ये इसका फर्स्ट इमोट है जो हमने एनिमेशन में भी देखा था अपने सांप से यह कुल्हाड़ी बना लेती है अब सेकेंड इमोट की तरफ आते हैं तो भाई अपनी श्रॉड निकाल के दो कार्ड में से एक को चूज करता है एंड दूसरे को पेन देता है

ली है जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने गेम प्ले पे भी यूज की है तो भाई कितनी चेस कराई है इसकी आ गई सेकंड फॉर्म एंड ये आ गई इसकी एडवांस फॉर्म अब आते हैं इसके एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट पे तो ये भी काफी मजे की कि इसकी किल फीड होने लगी है और हिट इफेक्ट की तो बात ही ना करो भाई क्या मजे का इन्होंने थीम दिया है मतलब बिजली शिजली चमक रही होती है एंड काफी जो ना यूनिक सी लुक दी है फाइनल फॉर्म भी आप लोग देख लो भाई न्यून लाइट्स वगैरह निकल रही हैं अब इसका इंस्पेक्ट इमोट चेक करते हैं भाई किस किस्म का होने लगा है भाई ये तो अंदर से फुल भूत शूत निकल आया भाई काफी नेक्स्ट लेवल थी मैं यार इस बार पूरे क्रिएट की एंड अब बात की जाए इसके लूट क्रेट की तो वो मैंने आप लोग को दिखाया था गेम प्ले में एंड ग्लोरियस मोमेंट भी आप लोग को दिखाया था इसका ग्लोरियस मोमेंट देखने वाला है भाई ये सीन चेक करो भाई एक्स निकलता है एंड उसके बाद एकदम से सांप निकलता है क्रेट में से एंड उसको जो, जो है ना चबा चबा के अपने अंदर भसम कर लेता है खैर एम की दो स्केंस आई है एक ये जो मैंने आपको दिखा ली इसका नाम है स्केलेटल कार्वर अब दूसरी की बात की जाए तो इसका नाम है प्लेटिनम स्केलेटन इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है सिर्फ कलर का फर्क है एक जो है ना थोड़ी ब्लू थीम की है एंड दूसरी जो है ना थोड़ी व्हाइट थीम की है मतलब प्लेटिनम थीम की है तो ये दोनों काफी हैं। अगर आप लोगों ने निकालनी है तो फटाफट फड़ से निकाल लो बाकी आज की हमारी वीडियो ये तक की उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना एंड लाइक के साथ एक कमेंट लाजमी छोड़कर जाया करो आइनो आप सब वीडियोस देखते हो एंजॉय करते हो बट आप लोग कमेंट नहीं करते तो यार मैं बताता चलू कमेंट करने से क्या होता है जितने आप लोग कमेंट ज्यादा करोगे ना उतनी मेरी वीडियो को बूस्ट मिलेगा मतलब उतनी और ऑडियंस तक जाएगी आई नो तो आप लोग भी चाहते हो कि भाई स्मक भाई थोड़ा और कामयाब हो क्यूँकी आप लोग काफी ज्यादा कमेंट्स में देखते हो आप लोग बोलते हो स्मक भाई आप काफी अंडर हो आपके वन मिलियन होने चाहिए थे आपके होने चाहिए थे तो भाई लोग सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा